घटना हुई है लखनऊ के नाका इलाके में, 5 लोगों की, 2 होटलों में आग लगी और 5 लोगों की मौत हो गई। सर, ये किस तरीके से घटना हुई और क्या किया जा रहा है अभी तक? देखिए, इस पर मौके से एसएसपी लखनऊ द्वारा इसका वर्जन दिया गया है और मेरी जानकारी है वो यही है कि इसमें दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ये आग लगी है। आग के कारणों की जो पड़ताल है वो सीएफओ और उनके वरिष्ठ अधिकारी फायर सर्विस के उसको करके बताएंगे। पहला काम था कि इसमें लोगों को रेस्क्यू करके लोगों की जान बचाना, उसमें हर संभव कोशिश किया गया पर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 5 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है और 3 लोग सीरियसली घायल हैं जो काफ़ी बर्न है, उनका प्राथमिक ढंग से इनका उपचार किया जा रहा है। क्या वजह थी, इसमें किस तरह से ये घटना हुई है, कैसी इंजीनियरिंग डिज़ाइन थी, क्या अनेक कारणों से, या इनके किस मानचित्र पास थे तो कैसे थे, उसमें क्या शर्तें थी, क्या इन सब चीज़ों की बाद में पड़ताल की जाएगी, जैसा कि आपने कहा है। और इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा पूरे पूरे प्रक्रम में उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित। सर, इसमें कहा जा रहा है कि विराट जो इंटरनेशनल होटल है जहाँ पे मेन तरीके से घटना हुई, वहाँ पे मानचित्र पास नहीं था, फायर डिपार्टमेंट की एनओसी भी नहीं थी, तो ऐसे में फायर डिपार्टमेंट की एनओसी ना होना तो फायर डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है कि बगैर उनकी एनओसी के कोई होटल चल रहा है तो उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? इसमें कोई जाँच के आदेश दिए गए हैं डीजी स्तर से? देखिए, अभी ये विस्तार से जांच का विषय है कि बिना मानचित्र पास करे जैसे आप बता रहे हैं, मानचित्र पास नहीं है तो निश्चित तौर पर ये जो अर्बन अथॉरिटीज हैं उनकी भी लाइबिलिटी इस बात की बनती है कि इसको देखें। अब ये जांच का विषय है कि उनके स्तर पे क्या कार्रवाई की गई, क्या फायर सर्विस से कहा गया, ये विस्तार से जांच का विषय है और हर पहलू पर इसमें जांच कराई जाएगी। कोई जांच कराई जा रही है, कौन करेगा जांच इसकी? अभी पहले हम लोग सब इसमें रेस्क्यू उसमें लगे हुए हैं और इसमें एसएसपी लखनऊ को निर्देशित किया गया है कि वो अपने स्तर से इसकी जाँच करें और जाँच करने के पश्चात जो भी सच्चाई हो वो सामने लाए।